अंबे माँ की कसम खाकर कहते हैं कृष्णा जी कि हम पल्लू की क्या किसी की भी जान नहीं दे सकते। अगर हमने इस चलते हुए कपूर को अपनी हथेली से गिरने दिया तो हम झूठे, और अगर इसकी लौ अंत तक हमारी हथेली पर जलती रही तो हम पर लगाए हुए ये इल्जाम झूठे। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। भाई मुझे लगता है घर वालों ने यानी कि खास तौर से साक्षी ने कमरे में कैमरा लगाकर बहुत अच्छी बात कर डाली है, ये बहुत अच्छा काम किया है। और तभी शायद सब लोग मूवी की तरह पूरा परिवार मिलकर ये पूरा ड्रामा दोनों बहनों का देख रहा है। बस कर अपना ये ड्रामा, तू चाहे कपूर जला या हजारों दिए पर तेरे पाप कटने नहीं वाले। तूने जो हमारे साथ किया है ना, अब उसका फैसला हम करेंगे, और उसका फैसला है तेरी इस घर से परमानेंट विदाई। और रुक, अब जरा हम तेरी विदाई की तैयारी करके आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अब बिंदिया ने सोच लिया है कि भाई अब तो बस पायल से सच उगलवाना ही है, ये बार बार हमारा पागल बना रही है, सबका पागल बना रही है, तो अब बस बहुत हो चुका। और यहाँ पर बिंदिया चाकू लेकर जाती है, पायल को डराती धमकाती है। पायल के मन में वैसे ही बैठा हुआ है कि बिंदिया हमें मार डालेगी, और यहीं पर जो है इसी बात का फायदा उठाती है बिंदिया चाकू लेकर जाती है और कहती है पल्लू हम तुझे मार देंगे, अब तेरे पास आखिरी मौका है, सच सच बता दे। तो पल्लू कहने लगती है कि हम तो तुम्हारी बहन है पल्लू, ऐसे कैसे कर सकती हो। लेकिन अब बिंदिया काफी गुस्से में है और उसने कहा सच बता दे नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। और ये सारा खेल पूरा परिवार देख रहा होता है, कृष भी ये सब देख रहा होता है। वेल, आने वाले एपिसोड में जो है यहाँ पर बिंदिया जिस तरीके से पायल की ओर चाकू लेकर जा रखी है तो पूरा परिवार डर रहा है। लेकिन आने वाले एपिसोड में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि पायल प्रेग्नेंट थी ही नहीं और ना ही उसका कोई मिसकैरेज हुआ था, उसने कृष और बाकी घर वालों के साथ एक बड़ा खेल खेला था। और यही बात बिंदिया जो है साबित करना चाहती थी और निधि ने भी इस बात को कबूल कर लिया। खैर, आने वाले एपिसोड में अब आपको ये बड़ा तूफान देखने को मिलेगा जो कि कृष की जिंदगी में आया है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।